नमस्कार, आप देख रहे हैं परमार्थ आवाज खबर बाराबंकी से। योगी सरकार में दबंगों, अपराधियों और भूमाफियाओं पर हो रही ताबड़तोड़ कार्रवाई, फिर भी कुछ दबंगों के हौसले इतने बुलंद हैं कि अपने चहेतों के दम पर क्षेत्रीय अधिकारी व कर्मचारियों पर दबाव बनाकर मनमाने ढंग से काम करवाने में माहिर हैं। आपको बताते चले कि ताजा मामला बनीकोडर की ग्राम पंचायत खुसहटी का है, जहां पर कुछ ग्रामीणों ने शिकायती पत्र देते हुए यह आरोप लगाया कि दो दिन पूर्व में क्षेत्रीय लेखपाल द्वारा घरौनी की जांच की गई और जांच में जो सही पाया गया उसी के आधार पर कार्रवाई की गई, लेकिन उपरोक्त गांव के ही कुछ लोगों के द्वारा लेखपाल पर दबाव बनाकर मनमाने ढंग से खलियानों और आबादी की जमीनों को अपने चहेतों के नाम दर्ज कराना चाहते थे, लेकिन क्षेत्रीय लेखपाल ने ऐसा करने से इनकार कर दिया तो ग्राम प्रधान समेत व उनके दर्जनों सहयोगी ने मिलकर उप जिला अधिकारी राम सनेही घाट को शिकायती प्रार्थना पत्र देकर घूस मांगने का आरोप लगाते हुए कार्यवाही की मांग की है। हमारे संवाददाता द्वारा ग्राम सभा खुसहटी पहुंचकर कुछ ग्रामीणों से सच्चाई जानने की कोशिश की तो ग्रामीणों ने जानकारी दी, आइए सुनते हैं। क्या नाम है आपका भाई? कहाँ रहते हैं? ये एप्लीकेशन लेकर के आप लोग जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? डीएम साहब के यहाँ जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? डीएम साहब। वहाँ क्या करने जा रहे हैं? वहाँ यही एप्लीकेशन दे रहे हैं कि कुछ लोग गांव के दबंग लोग ये बताए हैं कि लेखपाल घुस लेकर काम कर रहा है, जबकि लेखपाल सब जाके सब घर घर सब काम किया है और सबकी सही ढंग से एंट्री की है। कुछ लोग दबंग लोग थे जो गलत एंट्री कराना चाहते हैं और करा भी लिए थोड़ा बहुत दबाव बना के, वो नहीं चाहते हैं कि ये लेखपाल माले सही काम करें और सही मालूम, इसी की शिकायत हम लोग कर लिया। अच्छा दादा, कल खबर चली थी लेखपाल द्वारा घूस मांगा गया है, आपके कुछ ग्रामीणों ने बयान भी दिया, आरोप लगाया है, ये क्या सत्य है क्या झूठ है? ये बिल्कुल निराधार है, ये एकदम गलत है। अच्छा, वो सबके जाके कोई कहीं चाय भी तक नहीं पिया है। अच्छा, वो चाय किसी के यहाँ नहीं पिया, ना कोई पानी पिया है, बिल्कुल सरासर गलत हुआ। क्या नाम है दादा आपका? कहाँ रहते हैं? क्या समस्या है आपको? हमारे जगह पर रही कुछ थोड़ी बहुत वहाँ कब्जा करें, दिए कहीं नहीं दें। कौन? प्रधान। क्या नाम है प्रधान का? क्या नाम है प्रधान का? सोनू राम। अच्छा, कैसी जमीन थी आपकी? अरे पुरानी थी, पुराना घर था हमारा वहाँ। अच्छा, तो इसकी शिकायत आपने कहीं की? नहीं, फिर तो नहीं आप। क्या नाम है दादी आपका? कहाँ रहती हैं? अच्छा, क्या समस्या है आपको? समस्या लेखपाल जो नहीं है, घरौनी बनाए नहीं, ना बहुत कुछ मांगे, ना ढूंढ ली फालतू को आरोप रखा जाए। अच्छा, तो इसकी शिकायत आप लोग कहीं किए हो? अबे तो कहीं नहीं की। अच्छा, करने जा रही हो? अच्छा, तो लेखपाल द्वारा जो आरोप तुम्हारे गांव द्वारा लेखपाल पर लगाया गया है वो गलत है क्या? गलत है। कहीं कोई रिश्वत घूस नहीं ली गई? क्या नाम है दादा आपका? यशवंत सिंह हमारा नाम है। कहाँ रहते हैं? ग्राम खुसहटी, मैं निवासी हूँ जी। और जर मेरी तरफ कैमरे पे देखिए। तो क्या समस्या है आपको? समस्या यही कि लेखपाल श्री रामेक सरोत यहाँ आके घर घर जाके सबके यहाँ अपना घरौनी बना रहा था जी, लेकिन कुछ गांव के दबंग लोग जी उसको ज़बरदस्ती गलत तरीके से दूसरे की ज़मीन लिखवाने की कोशिश की है जी, वो ऐसा नहीं किया। हाँ, इसलिए उसके ऊपर ब्लेम लगा रहे हैं कि वो तो पैसा लेकर कर रहा था वो ग्राहक, जबकि वो सभी गांव के सभी के घर जाके सबके अपना घरौनी का पूरा खाका तैयार किया है, उसकी कोई। तो इसकी शिकायत आपने कहाँ की? इसकी शिकायत मैं SDM साहब से करने जा रहा हूँ। अच्छा अच्छा, क्या नाम है दादा आपका? बैठ। कहाँ रहते हैं? ग्राम सभा खुसहटी। अच्छा, मैं सदस्य। तो आप के यहाँ जो खबर चल रही है कि लेखपाल द्वारा लोगों से घूस मांगी जा रही है, आरोप लोगों ने लगाया है, इसमें क्या सत्यता है? ये सत्यता गलत है, कोई एक नहीं पैसे की कोई घूस लेखपाल के नाम पर है ही नहीं है, सब बढ़िया बराबर जो है कि जा जाकर घर घर अपना जो है खुद लिखा। अच्छा,
आप ग्राम पंचायत सदस्य भी हैं? जी हाँ, सदस्य। तो ऐसा जो है आपके गांव में है नहीं? ऐसा नहीं है। तो लोगों ने जो शिकायत की, आरोप लगा रहे हैं? हाँ, वो बिल्कुल निराधार है, गलत है। अच्छा,